और बड़ी खबर इस वक्त अमेठी से हार गई है स्मृति ईरानी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अमेठी में केएल शर्मा चुनाव जीत गए हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, बड़ी जीत हासिल की थी और इस बार एक बार फिर से वो मैदान में थी। और चर्चा शुरुआत से ये रही कि क्यों नहीं राहुल गांधी यहां से लड़ना चाहते या गांधी परिवार का सदस्य लड़ना चाहता, लेकिन उस वक्त यही कहा गया कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, एंड मोमेंट पे फैसला लिया गया जरूर कांग्रेस की तरफ से, लेकिन रायबरेली सीट वो जीत गए हैं। और अमेठी से बड़ी खबर ये कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई है, केएल शर्मा की जीत हुई है। वीरेन जी, थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया था और वो केएल शर्मा के साथ उनकी तस्वीर थी जहां पर वो बैठकर कुछ खाते हुए शायद नजर आ रही है, कुछ साल पुरानी तस्वीर वो लग रही है। उसमें वो बड़े सेंटिमेंटल होकर लिख रही हैं कि भैया कहकर के संबोधित कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे तो मालूम था कि आप अमेठी से जरूर जीतेंगे। और देखिए अब वास्तविक नतीजा आ गया है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गई हैं अमेठी से। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे उनके प्रत्याशी पर कि बाहरी हैं, उस पर भी पुरजोर तरीके से उन्होंने बात रखी थी कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और अक्सर अमेठी की जनता के साथ वो रहते हैं। देखिए, अमेठी में भी मैं वो बात कहूंगा कि 16 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं जिसमें सिर्फ 3 बार अपोजिशन जीती है। संजय गांधी हारे 1977 में, एक बार संजय सिंह जीते बीजेपी से और एक बार जीती स्मृति ईरानी जी। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी क्षेत्र जो है जुड़ा रहा है। सोनिया जी भी वहां से चुनाव जीती हैं, संजय गांधी भी चुनाव जीते हैं और राहुल गांधी भी जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां पर फैमिली का एक कनेक्शन है। जो पिछली बार ईरानी के जीतने का कारण क्या था कि वो विक्ट्री मार्जिन 5% से कम था, यानी कि मुश्किल से 11-12 हजार वोट से स्मृति ईरानी जीती थी और अब की बार उनको काफी वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हराया है। और जो कैंडिडेट है वो समझिए एक तरह से सरनेम भले नहीं गांधी है लेकिन उसको आप गांधी ही समझिए क्योंकि पिछला रिश्ता 40 वर्षों से है उनका। बिल्कुल, और वीरेन जी एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी बात यह भी है कि जो कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, इतिहास बन जाएगी, बहुत मजबूती के साथ यहां पर INDA गठबंधन लड़ा तो है, लेकिन गांधी परिवार देखे, कांग्रेस को देखे, अमेठी रायबरेली दोनों सीट उनकी। देखिए, अब मैं थोड़ा डेमोग्राफी की बात करना चाहूंगा कि 2014 और 2019 में ना यादव वोट जो है लोकसभा चुनाव में अलग नेचर से वोट डालता रहा है, यानी मोदी जी को डालता रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि वाई तो था ही, एम बिल्कुल अखिलेश के पीछे खड़ा हो गया। कांग्रेस का 5-6% वोट होता है तो MY का वोट यदि आप जोड़ते हैं तो तकरीबन 30% होता है, और यदि कांग्रेस का 5-6% जोड़ दीजिए तो निश्चित रूप से, और इधर जैसा मैंने कहा कि 8% वोट कम हुआ है बीजेपी का, 8% का स्विंग बहुत बड़ा स्विंग होता है सोशियोलॉजी में, जो सत्ता बदल सकती है, कुछ भी कर सकता है। यही कारण है कि 64 से बीजेपी 34 पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, रुक करते हैं, हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, स्मृति ईरानी का अमेठी से चुनाव हार जाना, ना सिर्फ भाजपा का एक बड़ा चेहरा, एक केंद्रीय मंत्री जिस तरह ललकार करके वो चुनाव 2019 में लड़ी और जीत गई, उसके बाद इस बार स्मृति ईरानी हार गई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि 5 बजे राहुल गांधी PC कर सकते हैं, अब उस पर इन्फॉर्मेशन आई है कि 5:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि इसे कौन संबोधित करेगा, कौन कौन इसमें उपस्थित होगा, इस पर जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन 5:30 बजे कांग्रेस आ गई, खबर आ गई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ऑफिस दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आलोक जी, स्मृति ईरानी का अमेठी से चुनाव हार जाना, ये परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी के लिए कैसा है, एक बड़ा डेंट और सेटबैक? लेकिन साफ साफ दिख रहा है पहली नजर में कि और जो बरगलाने की कोशिश थी उसका कुछ असर रहा। जो संविधान बदलने की बात बार बार राहुल जी कर रहे थे, कांग्रेस फैमिली कर रहे थे, अखिलेश जी कर रहे थे, उसका असर जो है शायद नीचे तक पहुंचा है। अच्छा भाई, नुकसान स्मृति ईरानी जी को हुआ है। स्मृति ईरानी जी एक ऐसे लीडर थी जो अमेठी में लगातार रुकती थी, लगातार ठहरती थी, अपने व्यस्त मंत्रिमंडल का जो उनका काम था उससे हट करके भी वो तकरीबन हर महीने जो है अमेठी पहुंच जाती थी। लेकिन बहुत सारे कारण किसी हार के जीत के रहते हैं। निश्चित रूप से समीक्षा का समय आएगा तो हम बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे कि जो हमारे बड़े चेहरे हैं वो क्यों हारे,
क्या वजह रही, कौन सी वजह ज्यादा असरकारी रही, उनमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर वही मैं बात कहूंगा कि हार में न जीत में कोई भय नहीं है, हम फिर से निकलेंगे, कहीं हम हारे हैं कहीं जीते हैं।